हेलो गाइस, दिस इज अनुप्रिया सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल एंजल्स। सो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं सांभर वड़ा। सिंपल येट डिलीशियस एंड बहुत ही इजी रेसिपी है ये। सो इसके लिए हमने लिया सबसे पहले कुकर, उसमें डाले हैं 2 कप तूर दाल, इसे अरहर दाल भी कहते हैं। गाइस, मैंने दाल को पहले ही बहुत अच्छे से धुल लिया था। अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 कप पानी और डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। सो अब हम कुकर को पैक कर लेंगे और एक फुल पे एंड एक लो फ्लेम पे सीटी लगा लेंगे। तो गाइस, जब तक कुकर की सीटी निकलती है तब तक हम सांभर का मसाला फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए लिया मैंने पीली सरसों, लाल और हरी मिर्च, कड़ी पत्ते, बारीक कटे हुए प्याज और अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लें इसे धीमी आँच पर। गाइस, प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम डालेंगे इसमें लौकी, कद्दू और एक बैंगन, एक कैप्सिकम, शिमला मिर्च और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे तेज आंच पर। तो गाइस, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो क्वांटिटी वेजिटेबल्स की। गाइस, हमारे वेजिटेबल्स ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 बारीक कटे टमाटर। वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि इसे हमें सीटी भी लगानी है। सो आप हल्का ही फ्राई करें इसे। गाइस, वेजिटेबल्स फ्राई हो चुकी है हमारी और हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच सांभर मसाला एंड इसे बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो गाइस, सांभर का मसाला रेडी हमारा। हम थोड़ा थोड़ा करके इसे सांभर के दाल में मिक्स कर देंगे और इसे अच्छे से चला करके कुकर को हम फिर से पैक कर देंगे और एक तेज आंच पर सीटी लगा देंगे। एंड यहाँ हमारा सांभर ऑलमोस्ट रेडी है। तो गाइस, सीटी निकल चुका है और अब हम इसमें डालने वाले हैं टैमरिंड इमली का पल्प और फ्रेश कोरिएंडर लीव्स से हम इसे सर्व कर देंगे। एंड डन गाइस। गाइस, अब हम मेदू वड़ा बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमने लिया है 1 कप उड़द दाल यानी कि धोई एंड 1 कप चावल और इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और इसे 3 से 4 घंटे तक भिगो देंगे। सो गाइस, 3 से 4 घंटे बाद हम उड़द दाल निकाल लेंगे और एक ग्राइंडर में ऐसे निकाल करके ग्राइंड कर लेंगे। ध्यान रखें, इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है क्योंकि इसका जो पेस्ट होता है बहुत ही ज़्यादा थिक होना चाहिए। पेस्ट रेडी है हमारा। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटे प्याज, बारीक कटी हुई धनिया पत्ते, नमक स्वाद अनुसार, जीरा पाउडर 1 चम्मच, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो गाइस, मिक्सचर रेडी है अब हमारा और इसको हम इस तरह से बना लेंगे। हाथ में लेके थोड़ा सा हॉलो करना है एंड इसको उल्टा पलट के डीप फ्राई कर लेना है कढ़ाई में। सेम प्रोसेस, हाथ में लेके हॉलो करना है एंड कढ़ाई में उल्टा करके डीप फ्राई कर लेना है। बहुत ही इजी एंड बहुत ही अमेजिंग प्रोसेस है ये और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर ले गाइस। एंड देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है हमारा मेदू वड़ा। गाइस, वड़ा फ्राई हो चुका है हमारा। अब इसे हम निकाल लें गर्मा गर्म और सांभर के अंदर डाल करके कुछ अनियन और कोरिएंडर लीव्स के साथ सर्व कर दें और मज़े लें इसके। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।